नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में चाकू से भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि प्रार्थी कोमल यादव निवासी लमड़ागुड़ा पारा लोहंडी गुड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 7 जुलाई को शाम को रोजाना की तरह चित्रकूट से जगदलपुर तक अपने कंडक्टर अप्पू बघेल के साथ सवारी भरकर संजय मार्केट टैक्सी स्टैंड में गाड़ी को खड़ा कर कंडक्टर को बताकर मार्केट की ओर गए थे। करीबन 6:30 बजे अप्पू बघेल फोन कर बताया कि गणपत सेट्ठी उर्फ मनलिगा, अनमोल वासनिक और हाड़ा उर्फ अंकित पीटर ने चाकू दिखाकर मेरे 600 रुपए को लूट लिए हैं। वही मेरे कंडक्टर के पैसे क्यों लूट लिए हो कहने पर तीनों मिलकर प्रार्थी को गंदी गंदी गाली गलौज कर डंडा व चाकू से मारपीट कर गला हाथ को चोट पहुंचाए हैं और जान से मारने की धमकी दिए हैं कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग व नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली सुरेश जांगड़े के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर टीम तुरंत रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना और पूछताछ के आधार पर दो संदेही व्यक्तियों की पहचान कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपना नाम अनमोल वासनिक उर्फ हाड़ा, अंकित पीटर उर्फ कालू निवासी जगदलपुर का होना बताए और अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियों को 8 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले के आरोपी गणपत सेट्ठी उर्फ मनलिगा, जो घटना कारित कर फरार था, जिसे टीम द्वारा लगातार पता तलाश कर पूछताछ करने पर आरोपी गणपत सेट्ठी ने साथी के साथ मिलकर टैक्सी स्टैंड के पास कंडक्टर को चाकू दिखाकर डरा धमका कर उसके जेब से 600 रुपए की लूट किए। उसी समय कोमल यादव आया और मेरे कंडक्टर से क्यों पैसे लूट लिए कहने पर हम लोग गुस्से में कोमल यादव को गाली गलौज कर डंडा चाकू से मारपीट किए और भाग गया था। बताने पर आरोपी के कब्जे से चाकू को बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। दिनांक 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन संजय मार्केट क्षेत्र में एक मारपीट की घटना घटी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें गणपत शेट्टी अपने दो साथियों के साथ में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा था और उसने चाकू से उसको घायल भी कर दिया था पीड़ित को। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और जो दो आरोपी गणपत शेट्टी के साथ में थे उनको 7 तारीख को ही हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। मुख्य आरोपी गणपत शेट्टी क्योंकि फरार था, उसकी लगातार खोजबीन जारी थी, उसको भी फिर फाइनली कोतवाली की टीम ने ट्रैक करके उसको भी हिरासत में लिया है और आज उसे भी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।